की सादिया, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। सादिया तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका भी अभी मैसेज मैंने देखा। तुम रात के इतने बजे भी इतनी प्यारी लग रही होती हो, कमाल है यार। मैं क्या करे क्वारंटीन में इमरान, आई हैव नथिंग टू डू। क्या करे, मैं शाम को तैयार हो जाती हूँ, थोड़ा तैयार हुई, मैंने कहा फ्रेश फील करती हूँ। डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट चल रहा है और कुछ भी करने को नहीं है। मैंने थोड़ा सा मेकअप किया, कपड़े पहने के, पिक्चर्स लेती हूँ। और यार पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है इन हालात में इमरान। मतलब पूरा दिन घर पे, पूरी रात घर पे, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू यू नो फेस ऑल दिस सिचुएशन। सादिया यकीन करो, तुम्हारे इतने फैंस, इतने मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं और सबकी ख्वाहिश यही होती है कि सुन रही है ना ये आप। हाय क्या याद करवा दिया। सादिया दिस इज सो मैजिकल एंड इट ऑलवेज टेक्स मी बैक टू दैट टाइम व्हेन वी and the best thing ever happened to me। आपने तो बहुत सारे सीरियल किए इमरान और मैंने तो लाइफ में आई थिंक 5-6 मतलब उतने ही किए हैं, लेकिन मेरे लिए इट्स अ बिग थिंग कि मेरी ये पहचान बना ये सीरियल। और मतलब रोंगटे खड़े होते हैं अभी भी सुनो तो। इट्स बिन अ व्हाइल। और मुझे याद है कि जब ये ऑफर हुआ था तो अच्छा उस वक्त मैं आपको बड़े मजे की, बहुत सारे लोगों को बताऊं कि सादिया की कास्टिंग जो थी ना वो बहुत अचानक हुई। एक और हमारी एक्ट्रेस थी वो एक सीरियल कर रही थी और अनफॉर्चुनेटली उनके कोई इश्यूज हो गए एंड वो नहीं आ सकी। तो हमें फौरन फिर हमें कास्ट करना था और मुझे मेरे एक दोस्त हैं तैयब, उन्होंने मुझे सादिया की तस्वीर भेजी कि सादिया साथ मॉडलिंग कर रही थी, उसने कोई टीवी पे काम नहीं किया था। तो मेरे जो डायरेक्टर अंजुम ने कहा कि यार बहुत खूबसूरत लड़की है ये तो एंड शी इज टेलर मेड फॉर दिस कैरेक्टर। मैंने कहा पता नहीं एक्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। सो मैं भी बड़ा डर गया कि इतना बड़ा सीरियल है और हम किस तरह, चलो अल्लाह का नाम लेके बुलाते हैं। एंड व्हेन शी केम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सेट आई वाज सरप्राइज्ड कि ये इतनी, एक तो माशाल्लाह प्यारी है और सब भी बहुत प्यारी थी। मुझे लगा कि जब दुपट्टा उसको उड़ा के लेकर आए उस कैरेक्टर के लिए तो लगा कि ईमान इससे बेहतर। और अल्लाह का शुक्र है कि जो दूसरी खातून जो कर रही थी वो नहीं कर पाई और सादिया उसमें आई और सादिया का आना उसके लिए आई थिंक इतना लकी साबित हुआ कि अगर वो कोई और करता तो शायद ये खुदा मोहब्बत वो बनता ही ना। इस कास्टिंग के लिए अंजुम का कॉल आया मुझे, जवेरिया का फोन आया मुझे, साउथ का आया एंड आई रिफ्यूज ऑल ऑफ देम कि मैंने नहीं करना, मैं कराची में नहीं आ सकती, मैं वहाँ नहीं रह सकती ये वो। और जब इमरान का फोन आया तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड इमरान अब्बास कॉल्ड मी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और एंड आई सेड यस मैं करूँगी ये सीरियल। और मेरा ऑडिशन ये हुआ था, कुछ भी नहीं था कि सर पे दुपट्टा लेकर दिखाओ एंड मैंने लिया तो डायरेक्टर कहते हैं बस। मैंने कहा क्यों, मतलब कोई डायलॉग नहीं बोलना? तो कहते नहीं, हमने सिर्फ ये देखना था कि किस लड़की को सर पे दुपट्टा सूट करता है एंड यू आर परफेक्ट फॉर दैट रोल। तो और उसमें मेरा ख्याल है जो सबसे अच्छी बात ही यही थी सादिया कि उसके अंदर जो ईमान की एक सादगी और प्योरिटी थी ना उस रोल के लिए, उसमें उनको कोई ऐसी ही लड़की होनी चाहिए थी जो कि जिसकी स्क्रीन इमेज कोई ना हो और उसकी शक्ल पे इनोसेंस इतनी हो कि वो लोग जब वो मरे तो लोग अभी तक रोते हैं, यकीन करो अभी तक रोते हैं। तो मैं वो जब मैंने लास्ट जब देखता हूँ तो मैं रोई। मैंने कहा यार मैंने तो एक्टिंग की है इस सीरियल में और जिन लोगों ने, मतलब जिन लोगों को पता ही नहीं एक्टिंग क्या होती है और कैसे शूट किया जाता है, कैसे एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, तो उनका क्या हाल होगा। मैंने अभी रिसेंटली एक औरतगोल मैंने सीजन शुरू किया था और उसमें जब वो जो मेन एक्ट्रेस थी उसकी डेथ हुई तो आई स्टॉप वाचिंग दैट सीरियल। तब मैंने रिलेट किया, मैंने कहा यार खुदा और मोहब्बत, इस वजह से लोगों ने मुझे कहा कि हम अब नहीं देख रहे बिकॉज ईमान मर गई, हम नहीं देख रहे ये वो। तो मुझे समझ आई कि लोगों के कितने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, कितने लोग अटैच थे इसके साथ। और You were amazing इमरान, आपने मेरी डेथ के ऊपर जो आप रोए थे that was all real। मैं सब लोगों को बता रही हूँ कि आपकी बहन की उन दिनों डेथ हुई हुई थी और सब कट हो चुका था, शूट कैंसल, उन्होंने कह दिया था डायरेक्टर ने कट, लेकिन आप रोना नहीं बंद कर रहे थे, आपने सबको रुला दिया था। इवन मतलब मैं उस वक्त कि वो रियल सीन है, तभी तो लोगों के दिल में वो बैठ गया है कि आप जो भी कर रहे थे वो एक्टिंग नहीं थी, दैट वाज ऑल रियल। और स्पेशली एक वो सीन सादिया, मैंने जो दोनों दफा वो सीन किया, जब वो ट्रेन के पीछे भागने वाला सीन, तो वो भी इतना इंटेंस और इतना पावरफुल था। जब वो हमाद उसको देखता है, और वो बड़ा प्यारा सीन था कि वो उसको पता है कि वो उसको नहीं मिल सकती, और वो उसको तेर से बात देखता है, और वो अब्दुल्ला के साथ, और ट्रेन में जा रही होती है, तो वो इतना हेल्पलेस हो जाता है, और वो लड़की उसको देख के इतनी हेल्प अजीब सा होती है, उसका हैरान, इतनी हैरत होती है कि ये मेरे इश्क में क्या से क्या बन गया, और ये फाइनली कुल ही बन गया। और किसने बड़ी अपनी वो पूरी गर्मी थी, 45+ टेम्परेचर था, आप इतनी दफा गिरे थे, मुझे याद है आपके घुटने छिल गए थे, आपके कपड़े फट घुटने, मेरा मुंह जल गया था, इसलिए कि लाहौर की गर्म तरीन दिन थे, प्लेटफॉर्म की गर्मी, HMIS की गर्मी, स्टेशन की गर्मी, इंजन का धुआं, और वो गर्मी, और मुझे उसके फौरन बाद उसमें डाला था, वो लोगों ने एक्चुअली फील किया, दिल से किया, और there was something, कुछ था इसमें, इस कैरेक्टर में। सादिया, मैंने उसके फौरन बाद मुझे अपनी फिल्म के लिए शूट के लिए जाना था इंडिया, ऐ दिल है मुश्किल के गाना जो था वो ब्रेकअप सॉन्ग, और मेरा मुंह लिटरली सूज गया था, मैं गिरता था बार बार, तो वो मेरा बिल्कुल मेरा फेस जल के सूज गया था। और जब मैं वहां इंडिया भी पहुंचा तो जितने भी मेरे लोग थे वो सब ये कह रहे थे क्या हुआ है आपको, और मैंने कहा भाई मैं एक ऐसा करके आ रहा हूँ काम जो आप लोग अभी आपको नहीं पता चलेगा कि वो कितना मेरे दिल के करीब है, और उसमें उन्होंने कितनी एफर्ट पुट किया। सो आई वाज वेरी अपसेट ऑनेस्टली व्हेन दिस सीरियल वाज नॉट नॉमिनेटेड, एंड जिस तरह के हमारे अवार्ड्स होते हैं उसमें मुझे कभी अवार्ड्स का कोई लालच नहीं हुआ, लेकिन मुझे हैरत होती है कि लोगों को ये क्यों नजर नहीं आता कि आप जब बाहर निकलते हैं, और आपको जब तो आप पेशावर फ्रंटियर उस बॉर्डर पे चले जाएं, चाहे नॉर्थ या चाहे साउथ के बॉर्डर पे या उस कोने पे, आपको कहीं खुदा और मोहब्बत के फैन ऐसे नहीं है जो ना मिले। तो ये लोगों के फोन्स में अभी तक उसके डायलॉग्स हैं, उसके अभी तक मीम्स, उसके मीम्स कह रहा हूँ, उसके जो वो बनते हैं जो शेयर लिख लिख के उसकी जो एडिट करके लोग पोस्ट बना रहे होते हैं, हालांकि कितना पुराना हो गया वो सीरियल, लेकिन लोगों के दिल से वो नहीं होता। कोई भी ड्रामा हिट होता है हम भी देखते हैं, मतलब कुछ महीनों बाद लोगों के दिमाग से वो निकल जाता है, मतलब इतने साल हो गए हैं, लोग आज भी, मैं कोई पिक्चर पोस्ट करती हूँ नीचे खुदा और मोहब्बत का नाम जरूर आता है आज भी। तो मतलब हमारा अवार्ड तो यही है, हमारे फैंस जब हम बाहर जाते हैं, उनका प्यार, उनकी जो भी हमारे लिए मोहब्बत है, हमारा तो यही अवार्ड है हमारे लिए, और अवार्ड कोई माने नहीं रखता। आपको पता है मैं कभी अवार्ड पे जाती नहीं हूँ, तो मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इसको नॉमिनेट करें या नहीं करें, इतनी लोगों की मोहब्बत, इतना प्यार जो है वो ही हमारे अवार्ड्स हैं इमरान, एक्चुअली। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सादिया, क्या होता रहता है आजकल, क्या करती रहती हो, कोई हॉबीज, कुछ नया कुछ एक्सप्लोर किया अपने अंदर कुछ और? एक्चुअली जहाँ पे इसके नुकसान है, आइसोलेशन जो क्वारंटीन चल रहा है, वहाँ बहुत सारे फायदे भी हैं, आपको बहुत सारा टाइम खुद को जानने में जो आपको पता चलता है कि एक्चुअली हम लोग किस दौड़ में, किस भाग दौड़ में चल रहे थे। थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा ठहर के अपने अंदर झांकना, और ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी। कि मैं ऑब्वियसली लेट उठती हूँ, कभी कभार नमाज भी पढ़ लेती हूँ, एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, लेकिन अब एक ठहराव सा आ गया जिंदगी में, वो भाग दौड़ खत्म हो गई है। वो जो अजीब सा एक चल रहा था कि हर कोई भाग रहा है, मतलब अजीब सी चीजें चल रही थी, वो खत्म हो गया है। आपको फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम गुजारने को मिलता है, और रियलाइजेशन हो रही है असल में कि ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, जो हमारे पास इतना कुछ है हम भूल चुके हैं। सादिया, कुछ तुम गाती भी तो हो ना, माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाती हो तुम। नहीं, मैंने कभी सीखा नहीं, आप बस थोड़े से लोगों नहीं सीखा तो नहीं है, लेकिन तो कोई प्लान है? हम ये भी तो प्लान कर रहे थे ना मिलकर, कुछ एल्बम निकालने के, कुछ एक दो अपने नंबर्स निकालने के लिए। हाँ, अब कर सकते हैं, अब टाइम है, हम दोनों कर सकते हैं, अब टाइम है, गा सकते हैं। आप इतना अच्छा गाते हो, मैं इतना अच्छा सादिया, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए मेरे फैंस के लिए, अपने फैंस के लिए। खुदा और मोहब्बत के फैंस के लिए मतलब क्या अभी अभी कुछ सुनाओ ना अच्छा सा कुछ। ठीक है एक सेकंड मैं जरा ये बंद कर आप शुरू करो मैं आपका साथ देती हूँ इमरान। नहीं 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 ये मैंने तो अभी मैंने अदनान से देखी भाई ने बहुत मिलकर कहा है अब तुम गाओ अकेले। नहीं प्लीज मेरे साथ गाओ मेरी प्रैक्टिस जीरो तुम शुरू तो करो शुरू करो देखते हैं गा सका तो। करूँ सजदा एक खुदा को पढ़ू कलमा या मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। एक लाइन आप खुदा के नाम पे खुदा के नाम सजदे में सर झुकना इबादत है वो दिल अल्लाह का घर है कि जिस दिल में मोहब्बत है खुदा के नाम। करूँ सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। पढ़ूं आयत कोई सूरत सनम के नाम का कलमा ये माँ है बगावत है जुनू है या हकीकत है मेरा किबला तू काबा तू मेरा तावीज़ मन्नत है खुदा के नाम में पिन्हा मेरे दिल में मोहब्बत है खुदा के नाम मोहब्बत है खुदा जैसी खुदा ही तो मोहब्बत है खुदा के नाम। जुदा एक पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। सादिया कहाँ चली मैं इधर ही हूँ। आवाज आपकी बहुत कट कट कर आ रही है। बहुत खूबसूरत गाए हैं इमरान As always. Thank you. इस गाने में मेरे अपने दिल के जज्बात शामिल हो जाते हैं। I know. खैर बहुत अच्छा हुआ हम लाइव आए एक साथ बिकॉज हमारे फैंस हमें बहुत अरसे से एक साथ देखना चाह रहे हैं। अभी तो खैर बहुत ही मेरे ख्याल एक्सीडेंटल सा था ये हमारा आना। ऐसा करते हैं कल या परसों प्लान करते हैं प्रॉपर। ठीक है तो अभी जो भी हमारे फैंस हैं वो तैयार रहे। हम कल तो मैं शायद रीमा जी के साथ आऊंगा परसों फिर हम आते हैं और प्रॉपर हम ठीक है। तो आप जो भी सवाल हमसे करना चाहते हैं मुझसे और सादिया से तो हम सादिया के पेज पे भी आएंगे और मेरे पेज पे भी आएंगे। तो आप सादिया को भी ईमेल कर सकते हैं और मुझे भी ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल जो हमारे प्रोफाइल पे लिखा हुआ है एंड आस्क एनी डिसेंट क्वेश्चन व्हिच यू वांट टू एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर डिसेंट क्वेश्चन मेक श्योर। वो शर्त है कि डिसेंट होना चाहिए। ठीक है डिसेंट और तमीजदार। ठीक है तो चलिए इट वाज लवली टॉकिंग टू यू सादिया एज ऑलवेज एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस वो वाचिंग अस लाइव। इंशाल्लाह परसों फिर हम दोबारा मिल रहे हैं। ठीक है टाइम हम आपको बता देंगे अपनी अपनी इंस्टाग्राम पे इंशाल्लाह। राइट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ। टेक केयर लाफ यू टू या ओके सादिया ओके टेक केयर।